नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कानपुर की केंद्रीय पात्रता परीक्षा में पेपर लीक होने की घटना का खंडन करते हुए मीडिया में इस लीक की खबरों को बेबुनियादी बताया है। बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने यहां जारी वक्तव्य में कहा कि 11 दिसंबर को कानपुर में हुई पात्रता परीक्षा के बारे में कुछ अखबारों में ये खबर छपी थी कि परीक्षा शुरू होने से 1-1.5 घंटा पहले पेपर लीक हुए और व्हाट्सएप पर वायरल हुए। इस पेपर के सवाल वही थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। पुलिस अधीक्षक ने कुछ लोगों को इस बारे में गिरफ्तार भी किया। बयान के अनुसार बोर्ड ने अपना एक प्रतिनिधि वहां भेजा। उसने लखनऊ जाकर संबद्ध पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, तब पता चला कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इसलिए पेपर लीक की खबर भ्रामक है। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई और वह उपकारागार में परिवर्तित अपने घर में रहेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग के सलाहकार बोर्ड ने 5 बार के सांसद अब्दुल्ला के मामले की समीक्षा की, जिसने उनकी हिरासत अवधि जन सुरक्षा कानून PSA के तहत बढ़ाने की सिफारिश की। केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग ने गोपकार मार्ग स्थित उनके आवास को उपकारागार घोषित कर दिया है। दूध विपणन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में दूध की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जो आज से प्रभावी हो जाएगी। कंपनी ने सबसे अधिक गाय के दूध और टोंड मिल्क की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। कंपनी ने जारी बयान में यह घोषणा करते हुए कहा कि दूध उत्पादकों को दी जाने वाली कीमतों में बढ़ोतरी किए जाने के मद्देनजर यह वृद्धि करनी पड़ी है। पिछले कुछ महीनों में दूध उत्पादकों को दी जाने वाली कीमतों में 6 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके मद्देनजर ग्राहकों पर इस वृद्धि का 80% भार डालने का निर्णय लिया गया है। उसने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पॉलीपैक और 0.5 लीटर पॉलीपैक के 2 पैकेट की कीमतों में अंतर अब 1 रुपये का रहेगा, जबकि पहले यह 2 रुपये का था। कंपनी ने टोकन मिलक की कीमतों में भी 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है और अब 42 रुपये प्रति लीटर हो गया है। उत्तर प्रदेश के विक्रांत शर्मा और आयुषी गुप्ता की जोड़ी ने 63वीं राष्ट्रीय राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिश्रित टीम 10 मीटर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्वर्ण पदक के मुकाबले में विक्रांत और आयुषी की जोड़ी ने हरियाणा के पंकज कुमार और हर्षिता दाहिया की जोड़ी को 16-8 से हराया। इस बीच महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल और जाह्नवी खानविलकर की जूनियर मिश्रित जोड़ी ने मिश्रित टीम 10 मीटर राइफल फाइनल में पश्चिम बंगाल के शिंजॉय दत्ता और मेहुली घोष की जोड़ी को 17-13 से हराकर खिताब जीता। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।